दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 में अपना पहला टाइटल जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। काफी अच्छा स्क्वाड आरसीबी की टीम ने बनाया है IPL 2020 के लिए और काफी बड़े बड़े फैसले जो हैं इन्होंने IPL 2020 के रिगार्डिंग लिए हैं। और ऐसे ही दोस्तों पांच बड़े फैसलों की हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि आरसीबी ने लिए हैं IPL 2020 के लिए। और इस फैसलों के कारण आरसीबी की जो टीम है काफी मजबूत हमें नजर आ रही है और जीत सकती है अपना पहला टाइटल IPL 2020 में। तो दोस्तों कौन से हैं वो पांच बड़े फैसले बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी IPL के फैन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है क्या दोस्तों आरसीबी की टीम अपना पहला टाइटल IPL 2020 में जीत पाएगी, कितने परसेंट चांसेस आपको लग रहे हैं आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। चलिए दोस्तों एक एक कर सभी बड़े फैसलों की बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला जो है वो लिया इन्होंने अपने कैप्टन को लेकर। जिस तरह का दोस्तों IPL 2019 का सीजन आरसीबी का गया था काफी लोगों का मानना था कि आरसीबी को अपना कप्तान जो है वो चेंज कर देखना चाहिए, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने बिल्कुल कंफर्म किया कि विराट कोहली ही लीड करने वाले हैं, एक और बार विराट कोहली ही कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला आरसीबी की टीम ने लिया है, विराट कोहली हमें एक और बार लीड करते हुए नजर आएंगे। बात करें दोस्तों दूसरे बड़े फैसले की तो दूसरा बड़ा फैसला लिया है इन्होंने अपने इंडियन फास्ट बॉलर्स के ऊपर एक और बार ट्रस्ट कर। जी हां दोस्तों जिस तरह का इनका पिछला 2-3 सीजन गया है खासकर इनके इंडियन फास्ट बॉलर्स का, ऐसे में लग रहा था कि ये टीम अपने इंडियन फास्ट बॉलर्स को चेंज कर सकती है, लेकिन इस टीम ने दोबारा से ट्रस्ट किया है अपने सेम इंडियन फास्ट बॉलर्स पर, चाहे वो उमेश हो, सैनी हो या फिर हो मोहम्मद सिराज। तो यहां पर एक और बार इन्होंने ट्रस्ट किया है अपने इंडियन फास्ट बॉलर्स पर। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही अच्छे टच में इनके इंडियन फास्ट बॉलर हैं, चाहे बात करें उमेश यादव की चाहे बात करें नवदीप सैनी की। तो इससे काफी अच्छा फायदा आरसीबी को होने वाला है IPL 2020 में। बात करें दोस्तों तीसरे बड़े फैसले की जो कि आरसीबी की टीम ने लिया है वो है दोस्तों इनके फॉरनर फास्ट बॉलिंग अटैक को लेकर, जहां पर पूरी तरीके से अपने फॉरनर फास्ट बॉलिंग अटैक को चेंज किया है। ये टीम लेकर आई है केन रिचर्डसन को, इसरु उड़ाना को, क्रिस मॉरिस को, साथ ही साथ डेल स्टेन जो कि काफी अच्छे टच में थे, तो उन्हें भी दोबारा से आरसीबी की टीम ने जो है खरीद लिया है। लास्ट ईयर से काफी अच्छे इनके फॉरनर फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं और इनकी फास्ट बॉलिंग काफी मजबूत हुई है इनके इस बड़े डिसीजन से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथे बड़े फैसले की। तो चौथा बड़ा फैसला इन्होंने लिया है अपने टॉप ऑर्डर को लेकर। हर साल दोस्तों इनका मिडल ऑर्डर काफी हैवी हमें नजर आता था, विराट कोहली भी डिविलियर्स नजर आते थे, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर उतना अच्छा नजर नहीं आता था, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन इस साल इन्होंने अपने टॉप ऑर्डर को भी काफी हैवी किया है, जिनमें सबसे बड़ी बाएं हैं दोस्तों एरन फिंच। तो विराट कोहली भी डिविलियर्स के अलावा एरन फिंच भी इनके यहां पर बैटिंग लाइनअप में हमें नजर आने वाले हैं। इनके अलावा दोस्तों देवदत्त पाडिकल भी काफी अच्छे में है, जॉस फिलिपी भी जो है काफी अच्छे यहां पर ओपनर हैं, पार्थिव पटेल भी काफी अच्छे ओपनर हैं। तो टॉप ऑर्डर को इन्होंने काफी ज्यादा हैवी किया है, इसको लेकर इन्होंने बड़े फैसले जो हैं वो लिए हैं। और पांचवा बड़ा फैसला जो है वो लिया है दोस्तों इन्होंने हिडन टैलेंटेड प्लेयर्स को लेकर। कई ऐसे इन्होंने खिलाड़ी ऑक्शन में खरीदे हैं जिनके ऊपर किसी टीम की निगाहें नहीं थी, लेकिन आरसीबी की टीम ने इनको खरीदने का पहले से ही पूरा मन जो है वो बना रखा था, जिनमें सबसे बड़ा नाम है इसरु उड़ाना का। 50 लाख की बेस प्राइस किसी भी टीम ने इनके ऊपर बिडिंग नहीं करी, लेकिन आपको बता दें कि आरसीबी की टीम इनके ऊपर तगड़ी बिडिंग करने को तैयार थी। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है इन्होंने अपने पर्स में रखा था इसरु उड़ाना के लिए। तो दोस्तों ये पांच बड़े फैसले आरसीबी की टीम ने जो है वो लिए हैं, जो कि शायद से आरसीबी के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं IPL 2020 में, और आरसीबी की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस IPL 2020 में कर सकती है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों कौन सा सबसे अच्छा फैसला आरसीबी की टीम ने लिया है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और क्या आरसीबी की टीम जीत पाएगी अपना पहला टाइटल आपको क्या लग रहा है आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।